दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज ही अपने पास एक ये एलजी कंपनी की टीवी आई हुई है रिपेयरिंग के लिए, तो आइए देखते हैं इसमें क्या समस्या है। तो उससे पहले आप सब जान लीजिए कि हम आज करीब 20 दिनों बाद फिर से वापस आ चुके हैं। तो क्या रीज़न था, क्यों मैं नहीं वीडियो बना पा रहा था, सो आपको सब मालूम हो जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो देखिए, टीवी को हमने लगाया, ऑन किया, तो ऑन करने के बाद AV लिखा है, लेकिन 3 कलर में देख सकते हैं, 3 जगह पर, ये आपका बैंगनी, नीला और पीला। तो ये सब दिक्कत है इसमें। आइए और इसमें वीडियो लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमको क्लियर हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम अपना पीछे से ऑडियो वीडियो का लीड लगाते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो फिर से आप सब अपना सपोर्ट बना दीजिए हमारे साथ इसी तरह के नई नई वीडियो पाने के लिए, क्योंकि हम अब फिर से लगातार कंटिन्यू वीडियो आपको देते रहेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो मैंने बनाया था पूरा बिल्कुल फेस के साथ, लेकिन थोड़ी सी माइक की कमी के कारण वीडियो में आवाज़ मैं अलग से दे रहा हूँ, लेकिन आगे आपको कुछ देर बाद ही वीडियो में पूरा आवाज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इसमें पिक्चर आ रही है। तो मेरे हिसाब से आप सबको ये मालूम हो चुका होगा फॉल्ट कहाँ से है। तो जिन भाई लोग को ये मालूम है सो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फटाफट से, और जिनको नहीं पता है आगे तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं और कहाँ से दिक्कत है जानिए, और जिनको पता है कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हमें भी मालूम होना चाहिए कि हमारे व्यूवर जो हैं उनको कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। ये हमने इसको कर दिया ओपन, और बाप रे इतना गंदा, देख सकते हैं इतनी गंदगी दोस्तों, शायद ही आपने कभी देखी होगी मेरे हिसाब से। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको अक्सर ये गंदगी देखने को मिल जाएगी। देखिए कितना, मतलब तो किसमें सर्किट है ही नहीं, इतना ज़्यादा गंदा है, देख सकते हैं बिल्कुल ढका हुआ सब इसमें, देख सकते हैं। तो इसीलिए हमने अपना एयर ब्लोअर लिया, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रहा है दोस्तों ये जो अपना गंदगी साफ़ करने में, सब गंदगी अपने मुंह में आ जा रहा था, मतलब माउथ में। तो इसलिए हमने अपना मशीन लिया, ब्रश से साफ़ करते समय सब फूंकते हुए अपने अपने ही चेहरे पर आ जाता था, तो इसलिए ये सब मैंने किया। और काफ़ी अच्छा, मतलब सफाई भी जाती है और काफ़ी जल्दी भी हो जाता है, देख सकते हैं कैमरे पर भी अभी आ गया था सब इसका गर्दा धूल जो भी कहें। तो वैसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि जितना उस पर लगा था वो तो साफ़ हो गया, लेकिन जो नहीं लगा था उसको हमको, मतलब जमा हुआ है उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम कर लेते हैं और आगे से फिर आपको वीडियो कंटिन्यू हो रहा है आपकी रियल आवाज़ के साथ, ठीक है। तो वीडियो का फुल एंजॉय करिए, और कोई कमी हो तो आप सब जो है कि कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है दोस्तों। देखिए वीडियो। सो दोस्तों, हमने इसको कुछ हद तक साफ़ कर लिया है, और यह समस्या कहाँ से है मैं आपको बता दूँ, और जिन भाई लोग को कमेंट करना था शायद वो सब कर चुके होंगे, और फिलहाल हम बता देते हैं अभी ये समस्या कहाँ से है, ठीक है। ये सर्किट की समस्या नहीं है, इसको आप अंदर डाल दीजिए, ठीक। ये समस्या दोस्तों अपने योक कॉयल की है, ठीक है, इस वाली कॉयल की, ये जो कॉयल है ये देख रहे हैं आप सब, ये वाली कॉयल। इस कॉयल में होता क्या है कि अधिकतर पुराने ट्यूब तो कॉपर आता था, लेकिन अब कुछ मिक्स करके दे रहे हैं एल्युमिनियम कॉपर, तो एल्युमिनियम वाली कॉयल अक्सर कर ख़राब हो जा रही है। देखिए यहाँ पर, ये हमको देखिए थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, जैसे मैंने हल्का सा इसको डाइवर इसमें डाला, ये जंग लगी हुई थी इस पर मॉइस्चर कारण, ये टूट चुकी है वायर। और इसको भी हम जोड़ के देखते हैं, अगर ये समस्या हमारे सही होनी होगी तो सही हो जाएगी। चलिए पहले देखते हैं क्या इस वायर को जोड़ने के, मतलब तो टूटा हुआ है तब भी उसी तरह पिक्चर आ रही है, या कुछ पिक्चर में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। अगर उसी तरह आएगी तो एक बार हमारा चांस बनता है कि है हो जाएगा हमारा फॉल्ट सही वहीं से। टीवी ऑन हो चुकी है, लाइट देखते हैं किस तरह से, नहीं ये समस्या वहाँ से नहीं थी। देखिए अब क्योंकि ये दूसरा फॉल्ट आ चुका है, तो इसका मतलब अंदर अभी इसके और प्रॉब्लम है। फिलहाल तो इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर था ये और टूट चुका है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और आप अगर इस रिंग को निकालते हैं, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये कॉइल की निकालना है, आप यहाँ पर एक मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि अगर ये रिंग आप उल्टा या टेढ़ा मेढ़ा लगा देंगे तो पिक्चर क्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, लाइनिंग सब बनने लगती है जो लिखावट होता है उस पर, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, निशान मार कर ही इसको निकालिए।
मार्किंग करके, और यहाँ से ये स्क्रू और एक है इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा काफ़ी दूरी है हमारे और आपके बीच, नज़दीकी कर देते हैं। इसको हमने यहाँ से खोला और घुमा कर निकालते हैं, हल्का सा प्रेस करेंगे, काफ़ी तेज़ नहीं, हल्का सा, ठीक है। ये अब कहाँ रोक रहा है थोड़ा देखते हैं, ठीक है, ये निकल चुका है। और दिक्कत परेशानी हमको यहाँ पे मिल चुकी है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये वायर यहाँ पे जला हुआ है, एक तो ऊपर अभी हमने तोड़ दिया और एक यहाँ पे ये है जो है जला हुआ, ये देखिए ये अलग है बिल्कुल, मैंने अलग नहीं किया है, अपने आप से अलग है, देखिए टूट रहा है बिल्कुल आराम से टूट रहा है, सब ये मॉइस्चर का देन है दोस्तों। तो इसको करते हैं हम लोग अलग, ये कर दिया, और एक बार हम इसको जोड़ देते हैं, अगर चलना होगा तो ये चल जाएगा, शायद कॉपर है, क्योंकि वायर पकड़ने पर मालूम हो जाता है कॉपर है कि एलुमिनियम, ये टाइट वायर है इसलिए ये लग रहा है कि कॉपर है, तो सोल्डिंग आराम से हो जाएगी। चलिए इसको करके देखते हैं एक बार, ठीक है, आइए किस तरह से हम लोग सोल्डिंग करेंगे वो भी देख लीजिए आप सब। तो ये हमने अपने कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर दिया है, और इसके ऊपर पॉलिश होगी, तो पॉलिश को हटाने के लिए मैं अपना एक, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ क्या, बालू पेपर, बालू पेपर, अब आप सब क्या बोलते हैं आप सब जानिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 220 नंबर का है, ये देखिए बहुत पतला वाला, और इसको हम इससे स्क्रैच करेंगे बिल्कुल, इसका जो पॉलिश है हटा देंगे, ठीक है, कॉपर है, इस पर सोल्डिंग आराम से हो जाएगी, और ऊपर वाले देखते हैं वो शायद एलुमिनियम है क्योंकि बहुत नरम लग रहा था। वैसे ही अगर आप इसको जोड़ते हैं तो इस पर रंगा नहीं पकड़ेगा, अब इसको इस तरह करके करेंगे तो रंगा आराम से पकड़ लेगा, सोल्डिंग आराम से हो जाएगी आपकी, ठीक है, बना देते हैं, बन जाएगा तो कस्टमर का पैसा बच जाएगा 500-600 रुपये, और महंगा भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका, क्योंकि महंगा आता है ये जानते हैं दोस्तों, और इस क्वालिटी का मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब टोटल मार्केट में आपको एलुमिनियम मिलेंगे, ये आपको कॉपर में है, मिक्स कर सकते हैं, अभी ऊपर वाला देखेंगे वो कॉपर है एलुमिनियम। यहाँ पर हमको एक स्लीप लगा देनी चाहिए थे लेकिन नहीं लगा रहे हैं, तो ऊपर से भी इसको हम पहना देंगे, कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे ऐड कर, जो भी कहें आप सब, इस तरह से हमने इसको किया, और इसके ऊपर अब हम सोल्डिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये सोल्डिंग हो चुकी है। और अपना हम एक इस पर स्लीप पहना देंगे, स्लीप ये जो वायर वाली स्लीप होती है, कोई से भी पहना दीजिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, एक ये अपने पास येलो कलर में रही, कलर से कोई मतलब नहीं, काम वही करता है सब, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको पहना दिया है, और इसको यहीं पे फंसा के रोक देते हैं इस तरह से कुछ। अब ऊपर वाले पे चलते हैं, ये रहा ऊपर वाला वायर से, ये भी टाइट ही है शायद, मतलब ये भी फुल कॉपर ही शायद है क्या, लेकिन शक्ल सूरत से लग रहा है कि एलुमिनियम है, हालांकि दोनों देखने में एक ही तरह होते हैं, मॉइस्चर के कारण ये एलुमिनियम लग रहा है, और स्क्रैच करके देखते हैं कॉपर है, ठीक है, ये बन जाएगा काफ़ी आराम से आसानी से, एलुमिनियम होता तो सोल्डिंग करने में जो एक दिक्कत होती है, हालांकि अब एलुमिनियम के भी पेस्ट आ गए हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता है दोस्तों जितना ये कॉपर वाले में आता है। इसको स्क्रैच कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा वायर है इसलिए स्क्रैच करने का दूसरा औजार अपने पास, ठीक है, इसको सोल्ड कर लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। तो आप सबको देखना है तो देखते रहिए किस तरह से कर रहे हैं हम, नहीं तो वीडियो स्किप कर सकते हैं आप सब। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको करते हैं, थोड़ा सा इस पर रंगा चढ़ाएंगे, जैसे कंपनी वाले में पॉलिश चढ़ाई है, हम उसी तरह इस पर रंगा चढ़ाएंगे अपना, अब रंगा चढ़ते ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, ठीक है, ये हो चुका है, और इसकी दूरी कम हो चुकी होगी क्योंकि छोटा हुआ है, टूटा है तो इसके लिए हम एक दूसरा वायर यूज करेंगे यहाँ पर। तो एक छोटा सा वायर अपने पास मान लीजिए कोई अच्छा सा,
एक वायर ये अपने पास मोटा है प्लस अच्छा है, ये वाला छोटा सा लेंगे, बस छोटे की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसका वायर बहुत नंबर एक का है ये, और इसको सोल्ड कर देते हैं यहीं पर। हमने इस पे भी अपना रंगा चढ़ा लिया है, ये सोल्ड होगा एक सिरा इसका, और ये दूसरा यहाँ पर करते हैं हम। ठीक है, ये सोल्ड हो चुका है, हालांकि हमने इस पे स्लिप नहीं चढ़ाई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से ये रहेगा, देख सकते हैं। और अब इसको हम इसको लगा देते हैं अपने पिक्चर ट्यूब पे। अब ऊपर करते हैं अपने कैमरे को, आप सब देखते रहिए ऊपर वाली सेटिंग। हालांकि अगर आप इस रिंग को अब जो अभी नहीं लगाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हम चेक करने वाले हैं, बस चेक करते हैं सही हुआ है या नहीं। कुछ भी टाइट नहीं कर रहा हूँ, इस रिंग को एक तरफ करता हूँ और सारे औजार को एक तरफ, और दोबारा से थोड़ा सा पीछे करते हैं आपको, और डिस्प्ले पर चलते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स अब आखिर निकल कर आता है। सीरीज में लगा रहा हूँ मैं, सीरीज में लगा दिया है, टीवी ऑन हो चुकी है, देखते हैं पिक्चर क्या कहता है, पूरी आती है या भी वही हाल है। सीरीज हल्का जला है, हो सकता है कि पूरा आ जाए, बट पूरा तो आया है लेकिन कुछ और भी समस्याएं हैं, ये देख सकते हैं क्या क्या दिक्कत है। लेकिन जो समस्या पहले थी वो समस्या ख़त्म हो चुकी है, ये 180 वोल्ट वाली समस्या, हो सकता है कि इसमें 180 वोल्ट सही से नहीं पहुंच पा रहा हो। देखिए पिक्चर पूरी है, लेकिन अब हम आगे वाला फॉल्ट जो है कि चेक करते हैं, आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा, 180 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मीटर को अपने हम निकालते हैं बाहर, ये देखिए मीटर का अपना देसी जुगाड़ लग चुका है, बैटरी बहुत चाट रहा था, मतलब बैटरी बहुत तेज़ ख़त्म कर रहा था ये 9 वोल्ट वाली। तो इस पर मैंने LG का 2 बैटरी जोड़ दिया है, कैसे बनाए हैं उसका भी वीडियो में बताऊंगा आपको। इसको हमने एक वायर को रख दिया अपना अर्थ पर मीटर का, और दूसरा वायर आइए चेक करते हैं। ठीक है, 180 वोल्ट अपना ये रहा, 180 वोल्ट में देख सकते हैं कितना बन रहा है, मात्र 19 वोल्ट, तो पिक्चर तो आएगा ही वैसा। और यहाँ पर इसका ये देखिए कैपेसिटर यहाँ पे टूटा हुआ है, मैं पावर निकालता हूँ, ये पावर निकाल दिया मैंने, और एक तरफ करते हैं मल्टीमीटर को, PCB इसका निकालते हैं बाहर, ये दिखाता हूँ मैं पहले आपको। ये देखिए कैपेसिटर यहाँ पे जंग लग के टूट चुकी है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नया लगाते हैं और फिर देखते हैं आखिर कैसे करेंगे, हो जाएगा या नहीं सही होगा। PCB का फॉल्ट नहीं था, लेकिन अब चालू होने के बाद तो दूसरा फॉल्ट निकला है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। फिलहाल वो वाली प्रॉब्लम तो योग की ही थी, आपने देखा पिक्चर पूरा हो चुका है, बट ये 180 वाला मैटर आके बजा दिया। इसको हम कर देते हैं ओके, चेंज करते हैं आप पे 4.7, 250, 450 जो भी हो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस 250 से ऊपर ही रहे, 4.7 की जगह 10 mFd तक भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहीं पर अपने पास एक ख़राब मोबाइल चार्जर का सर्किट रहा, तो हम निकालने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं पुराने सामानों को। ये देखिए 4.7, 450, पता नहीं कैमरे में दिखाया नहीं, शायद नहीं दिखा होगा क्योंकि अपना कैमरा बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका है, तो थोड़ा सा सब्र करिए दोस्तों, जल्दी कैमरा हम लेने वाले हैं। तो माइनस प्लस का निशान देखकर लाइनिंग जो है मैंने काफ़ी बार आपको बताई है, हालांकि निकालते समय आप देख लेंगे तो मालूम हो जाएगा किस तरह से निकाला है, और नहीं देखा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे कैपेसिटर को देख लीजिए, काफ़ी सारे कैपेसिटर लगे हैं इस टीवी में, इस टीवी में क्या जो भी टीवी हो सब में काफ़ी सारे लगे रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप सबको। सोल्ड करते हैं यार, क्यों दिक्कत कर रहे हो, अच्छा छटक गया एक पिन, दूसरी तरफ चला गया, ओके।
ठीक है। और अब चलिए थोड़ा सा सर्किट को पीछे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि पीछे नहीं साफ़ किया था। जब आ गए हो तो हो जाओ साफ़ यार, ठीक है। और अब देखते हैं इनका क्या समस्या है, कुछ परेशानी आगे बढ़ती है कि यहीं पर ये सही हो जाता है। वैसे अब सही होना चाहिए, 180 बन गया होगा क्योंकि लीकेज जो था वो हो गया साफ। ये जैक मैंने लगा दिया सब, ओके। यहाँ पर इस जैक को लगाते हैं पावर वाले। और टीवी को हम आगे डिस्प्ले देखने से पहले इसका 180 का सप्लाई चेक करेंगे, बना या नहीं। लगाते हैं पावर में, लगा दिया पावर में हमने। और आइए हम सब चलते हैं सप्लाई की तरफ। तो अपना 167 वोल्ट की सप्लाई, ओके। अब डिस्प्ले पे देखते हैं क्या डिस्प्ले आता है या नहीं आता है, किस तरह का आता है, कुछ तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पावर लगा दिया है हमने, देखते हैं। लाइट तो आ चुकी है बट कलर पैच बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको फिलहाल हम सही करेंगे, कैसे सही करते हैं आइए उसको भी देखते हैं। तो चलिए पावर निकालते हैं फिर से और फिर से सर्किट को पलटेंगे। काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो हैं कि धीरे धीरे आ रही हैं। अब इसमें दोस्तों हो क्या रहा है कि कलर पैच की समस्या है, तो उसके लिए आपको इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका भी छोटा सा इन्वर्टर है, ये भी मैं सही कर देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर एक PTC दिख रहा होगा, ये PTC का किसको कहते हैं पता नहीं, आप सबको पता होगा नहीं, मैं निकाल देता हूँ तब देख लीजिए। ये देखिए, ये है अपना PTC। ये ख़राब होगा तो हिलाएंगे तो इसमें से आवाज़ आएगी। देखिए मैं माइक के पास हिला रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इसमें से हिलने की आवाज़ आती है। और इसको हम नया लगाते हैं सबसे पहले। और इसको दूसरा चेक करने का तरीका ये है, पहली बार जब आप पावर सीरीज में लगाएंगे तो जो अपना सीरीज बल्ब लोड लेता है, मतलब जलता ही रहता है कुछ देर, तो यही है दोस्तों इसी वजह से जलता है, क्योंकि यही पूरी सप्लाई आपके देता है उसमें, इस रिंग में जो अपना कॉयल है पिक्चर ट्यूब पे लगा हुआ, जिससे कलर का मैनेजमेंट हो जाता है अपने आप। चारों तरफ उसका कर जो है इसमें लगा है, अंदर पिक्चर ट्यूब में है, सब चारों तरफ फैल जाते हैं। नॉर्मल भाषा में जो मैं बताऊंगा आपको तो यही बात है नॉर्मल भाषा वाली, बाकी अल्फा बीटा गामा करेंगे तो दिक्कत होगा आपको समझने में, ठीक है। तो इसको हम नया लगाते हैं, क्योंकि नया है नहीं, एक पुराना लगाते हैं, तो लगा के फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और देखिए एक बात और है, ये PTC कई तरह की होती हैं। अब इसमें ये ब्लैक है और मार्केट में ले जाएंगे तो अगर आपको दुकानदारी इस तरह का देता है तो ये मत कह दीजिएगा कि यह नहीं है दूसरा है, जो दोनों काम दोस्तों एक ही है, चाहे आप ये हरा वाला लीजिए चाहे ब्लैक वाला, ठीक है। अब इसको हम लगाते हैं, इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप चेक करेंगे सही है या ख़राब। तो सबसे पहले तो आपके पास सीरीज बोर्ड होना चाहिए आपको, सीरीज, ठीक है। काफ़ी चीज़ दोस्तों बची हैं आपको नॉलेज देनी है, तो फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ मुझे माने, अगर आपको समझ आएगा अच्छी बात है। तो सीरीज वाला जो बोर्ड हैगा उसमें से सीरीज वाला जो वायर निकलता है, दो वायर सटाते हैं जब तो बल्ब जलता है, वही वायर आपको दोनों वायर इस दोनों पॉइंट पर सटा देने हैं। तो होगा क्या कि कुछ देर के लिए सीरीज बल्ब आपका जलेगा लेकिन कुछ देर बाद फिर ये बंद हो जाएगा। तो यही काम है दोस्तों इसका, तो एक झटके से जब हम लोग इसमें करंट देते हैं तो एक झटके में करंट कॉइल में पहुंचाता है, मैग्नेट कॉइल बनती है और फिर उसके बाद छोड़ देता है। हालांकि मेरे हिसाब से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो आपसे बताइएगा, तो एक अच्छी सी वीडियो मैं आपको इस पर बता दूँगा, बना दूँगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस PTC के बारे में। मेरे हिसाब से तो शायद ही किसी को समझ में आया होगा कि आप सब प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो थियरी नॉलेज आपको होगी ही, प्रैक्टिकल वाली नॉलेज दिक्कत होगा। तो ये वाला लग नहीं पा रहा है, थोड़ा सा हम इसको लगा लेते हैं, मतलब तो पिन इसका अंदर नहीं जा पा रहा है इसके होल में, और कोई दिक्कत नहीं है, काम वही करेगा सेम टू सेम। दोस्तों हमने यहाँ पर इसको लगा कर बिल्कुल सेट कर लिया, सोल्ड कर लिया है मतलब, ठीक है। यहाँ पर ये हरा वाला रहा,
ओके, दिख रहा है कि नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको लगाया है। तो चलिए अब मैं इसको आपका बताता हूँ काम कैसे मालूम करेंगे, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले जैक को लगा दें, सभी जैक को लगा लेते हैं क्योंकि अब समस्या सही हो चुकी है। तो ओके बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब डिस्प्ले पे चलते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूँ काम करेगा कैसे मालूम होगा आपको, काम कर रहा है या नहीं वो। तो देखिए अब जैसे ही हम इसको पावर में लगाएंगे, ये अपना सीरीज वाला बल्ब है, वहाँ पे सीरीज वाला बल्ब है और अपना सीरीज बोर्ड है। ओके, जैसे लगाएंगे तो सीरीज वाला बल्ब कुछ देर के लिए जलेगा, ठीक है, जल गया ना, इसका मतलब वो काम कर रहा है। अगर ये नहीं जलता तो मालूम हो जाता है कि अपना ये कॉयल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुछ देर बाद बंद भी हो जाता है, लेकिन अभी हम बंद कर दूंगा तो यहाँ पर ये पिक्चर ये सही नहीं होगी, तो हमको ये पिक्चर सही करनी है, जो हमारा कलर सही नहीं आ रहा था। तो ऑन करते हैं, एक झटका जाएगा तो पूरा इसमें ये मैग्नेट की कड़ जो होते हैं, इसमें कड़ सभी रंग वाले फैल जाते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं, वही हाल है या दूसरा। तो आप सबको खुद समझ में आ चुका होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, हमारा फॉल्ट हो चुका है सही। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, और कोई दिक्कत परेशानी आपको हुई हो तो आप सब ज़रूर बताइए। और अभी हमने यहाँ पर ये इसका ये लगा कर बिल्कुल टाइट नहीं किया है, कस्टमर का भी पैसा बच गया और अपना काम भी हो गया। ओके, इसका एक रिंग लगा के टाइट कर लेते हैं और टीवी को बांध लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।